यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बिजवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जीत को लेकर कितने अस्वस्थ वो नज़र आ रहे हैं। बिजवान जी, सबसे पहले तो ये कि आपने तैयारी की और नज़र भी आया, लेकिन क्या लगता है इस बार कांग्रेस का झंडा उस विधानसभा में चलेगा? बिल्कुल, यमुनोत्री विधानसभा कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है और इसके लिए मैं यमुनोत्री विधानसभा के नागरिकों का, वहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद भी करता हूँ। क्या लगता है सर, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पे थे, तो लगता है कि कुछ स्थिति बदलेगी कुछ? मैं ये मानता हूँ कि यमुनोत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और सभी चीज़ों को लेकर मेरा ये कहना है कि 10 मार्च का दिन है और सभी लोगों के सामने रिजल्ट पेश भी हो जाएगा। 10 मार्च के लिए दिन अब 18-19 दिन बचे हैं, सबको पता भी चल जाएगा और हम जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसी दावा की जो पुष्टि है वो 10 मार्च को होने जा रही है। सर, एक बड़ा गंभीर आरोप भी आप पे लग रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष थे आप, तो कुछ गड़बड़ी की गई जिस पर DM ने रिपोर्ट में लिखा भी कि कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी, उसका जांच के आदेश आए और अब SIT जांच के लिए कहा गया। क्या लगता है कि SIT जांच में कुछ निकल पाएगा? देखिए, DM ने जांच करी, उसके बाद कमिश्नर ने जांच करी, उसके बाद शासन ने जांच करी, तो सभी जांचों में अपन को क्लीन चिट मिला है और जिला पंचायत अध्यक्ष को कहीं पर भी दोषी नहीं पाया गया है। अब SIT जांच भी इस समय करने का, आप समझ रहे हैं ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान, जो कि यमुनोत्री में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैंने काम किया, तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि ये व्यक्ति चुनाव जीत रहा है तो हम इसे प्रेशर में किस तरह से ले सकें। लेकिन ये सब मैं मानता हूँ कि SIT जांच का भी स्वागत है और कुछ और जांचें भी अगर ये कर सकते हैं तो उसका भी स्वागत है। जाँचों को लेकर मेरे मन में कोई बात नहीं है, जाँचें होनी एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत की चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए और मेरा उनमें पूरा सहयोग रहेगा। और जिस तरह से इन्होंने कमिश्नरी जांच में अपनी तसल्ली कर ली है, ऐसे SIT जांच में भी अपनी तसल्ली करवा लें और जब तसल्ली हो जाए तो मामला न्यायालय में भी है तो न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय इसको बड़ी गंभीरता से देख रहा है और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जांच में SIT की जांच जब करेंगे तो उसमें भी खुद सरकार को और जनता को भी पता चल जाएगा कि जो कमिश्नरी जांच में इसको क्लीन चिट मिला है वो SIT जांच में भी मिलेगा। अच्छा सर, एक बड़े सवाल ये है कि जांच लगातार हुई, पहले ये DM के स्तर पर की गई, फिर ये कहा शासन स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर, अब SIT कराई जा रही है और मांग तो ये की जा रही थी कि CBI जांच कराई जाए, तो ऐसा क्या है कि आखिरकार इतनी जांचों के बाद भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं और उसके बाद भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है? देखो, SIT तो अभी करेंगे, CBI के लिए भी इनको मन में हो तो करें, और भी कोई जाँचें हैं वो भी करें, सब जाँचें करें, भारतवर्ष में जितनी जाँचें हैं उतनी जाँचें करा लें, लेकिन मकसद जो इनका है, इनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये धरा जो है उत्तराखंड की, इसमें सच पलता है, परेशान जरूर रहता है लेकिन जीतता सच ही है। अच्छा सर, ये तो थी जांच, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी? देखो, इस समय उत्तराखंड का युवा जो कि अपने आप को बेरोजगारी की हवा में देख रहा था, इस बार उनको पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस पार्टी को उन्होंने अपना मतदान दिया है, कांग्रेस पार्टी को, वो सरकार में आ रही है और युवाओं के मुद्दों के साथ, महिलाओं के मुद्दों के साथ और बेरोजगारी मुद्दे के साथ, तमाम महंगाई के मुद्दों के साथ कांग्रेस जनता के बीच में थी और जनता ने उस बात को गंभीरता से सुना और आने वाले दिनों में जब आप परिणाम देखेंगे तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार 10 मार्च को बन रही है और उत्तराखंड में वो सरकार बन रही है जो गरीबों के लिए है, जो युवाओं के लिए है, जो महिलाओं के लिए है। अच्छा सर, आपने जांच को लेकर कहा कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है कौन लोग हैं जो आपके पीछे अभी भी लगे हुए? वही शक्तियाँ हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ये मालूम है कि दीपक बिजवान, जो कि महज कम उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष और आज विधानसभा की जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी हमें दी है और आज जनता के आशीर्वाद से हम बनने जा रहे हैं, तो ये परेशानियां तो रहती हैं। और कोई नाम होगा, कोई आपको लगता होगा कोई विरोधी हो? भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ने इसमें पूरा रखा है और देखिए, BJP ने जब से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना हूँ तब से और अब तक, और लगातार उन्होंने अपना जो भी उनके द्वारा गलत कृत्य थे मेरे खिलाफ वो सब उन्होंने अपनाए हैं, लेकिन उनसे मनसूबे कभी कामयाब नहीं हुए हैं। आप खुद ही सोच लो कि चुनाव से ठीक पहले मुझे हटा देना और फिर मुझे न्यायालय के द्वारा न्याय मिल जाना, और जैसे ही आज चुनाव खत्म होते हैं 15 तारीख से SIT जांच बिठा देना। मेरे को अगर इनको ये लगता है कि इन बातों से घबरा जाता हूँ तो उन्हें कह देना चाहता हूँ, और भी कोई जांचें हैं तो उनका आदेश भी कर लो, सब जांचें करा लो।
ठीक है, आप सभी जांचें कराने के लिए तैयार थे। तो ये थे हमारे साथ दीपक विजवान, जिन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो और कोई जांचें हैं तो वो भी करा ले, उसके लिए भी पूरी तरीके से वो तैयार नज़र आ रहे हैं। और इस बार कांग्रेस की लहर होगी और सरकार भी कांग्रेस बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बेस के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।